दोस्तों, मौत, प्रलय और समस्या देखकर नहीं आती है और न ही इनके आने का कोई समय होता है। दोस्तों, यह कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का अंत कब होगा या फिर होगा या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस जिस चीजों का निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, उसका अंत भी एक ना एक दिन जरूर होगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है और यही नियम पृथ्वी पर भी 100% लागू होता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातों को बताऊंगा जिससे इतना बड़ा पृथ्वी पलक झपकते खाक हो सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इनफ्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो हर सप्ताह अपलोड करता हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जो हमारे पृथ्वी को विनाश कर सकता है, मतलब हाउ द अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयर्ड। एक्स ग्रह। दोस्तों, पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हुई थी और पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और अकेला एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई प्राकृतिक और मानव आपदाएं झेली है। लेकिन साइंटिफिक प्रिडिक्शन के अनुसार 2060 में एक ऐसी आपदाएं आएगी जिसे पृथ्वी झेल नहीं पाएगी। जी हाँ, वो है एक्स नाम के एक ग्रह। ये ग्रह पृथ्वी से 2060 में उसी प्रकार गुजरेगी जिस प्रकार 29 अप्रैल 2020 को उल्का पिंड पृथ्वी से गुजरी। अच्छा हुआ था कि यह पिंड पृथ्वी से ठीक सही सलामत गुजरी, वरना पृथ्वी का विनाश 2020 में ही तय था। दोस्तों, ये एक्स ग्रह कितना खतरनाक है, इससे जानने से पहले जरा उस घटना को आप जान लीजिए जो 1994 ईस्वी में घटी थी, जब पृथ्वी के बराबर 10-12 उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे हुई है। इसीलिए वैज्ञानिकों को भी मानना है कि जो बृहस्पति ग्रह के साथ हुआ, यदि भविष्य में कभी भी पृथ्वी के साथ ऐसा होता है तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। ज्वालामुखी का फटना। दोस्तों, ज्वालामुखी यानी वोल्केनो का फटना भी पृथ्वी के विनाश के कारण बन सकता है। यदि आपको यकीन ना हो तो उस घटना को एक बार फिर आप याद कीजिए जो 1816 ईस्वी में घटी थी और इंडोनेशिया में स्थित माउंट ओम्बेरा नाम के ज्वालामुखी को एक बार आप याद कीजिए जिसने भारी तबाही मचाई हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान लीजिए सुपर वोल्केनो की पावर के बारे में। दोस्तों, सुपर वोल्केनो के फटने के दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो पृथ्वी के आकार से 8 गुना बड़ा होगा और इस ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के फटने से वातावरण में आंधी तूफान आएगी और धुएं के बादल बन जाएंगे जो कई सालों तक सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोक सकेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी से जीवन गायब होने लगेगा और धरती का विनाश होना शुरू हो जाएगा। नष्ट होते सितारे। रात में टिमटिमाते हुए सितारों को देखना किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टिमटिमाते हुए सितारे पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बन सकती है? दोस्तों, जब नष्ट होते हुए दो सितारे आपस में मिलते हैं तो गामा किरणें निकलती है जो इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह हमारे धरती को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है, क्योंकि इनसे जो ऊर्जा निकलती है वो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जाओं से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज़्यादा होती है और ये सीधी रेखा में हमारे धरती पर गमन करती है, जबकि सूर्य से निकलने वाली जितनी भी ऊर्जा होती है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती है जो इतनी प्रभावकारी नहीं होता है। लेकिन गामा किरणें से निकलने वाली ऊर्जा सीधी रेखा में गमन करती है और सूर्य से इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए यह किरणें ज़्यादा खतरनाक होती है। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया हमारे सौरमंडल से इतनी दूर होती है कि हमारे पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और अगर यह प्रक्रिया हमारे धरती से 1000 प्रकाश वर्ष दूर पर होगी तो इस शक्तिशाली किरणों से हमारी धरती एक पल में जलकर नष्ट हो जाएगी।